अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। दिस इज़ द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ मैथ्स ग्रेड 4 यूनिट नंबर 6 एंड दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ डेसिमल्स। इन दिस लेसन वी विल डू द टॉपिक राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। First of all, students, open your books and your maths classwork notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now, students, open your maths classwork notebooks. So, first of all, write down index, write down serial number, and then today's date, and then write down today's topic. The topic is rounding of decimals. अब मैं आपको बताऊंगी कि राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स क्या होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डेसिमल्स किए हुए हैं, आपने राउंडिंग ऑफ भी की हुई है नंबर्स की, कि आपने अगर आपके पास नंबर ग्रेटर देन 5 होता है तो आप उसको प्रीवियस नंबर जो होता है वो आप राउंड कर देते हैं, और इक्वल टू 5 हो तब भी आप उसको राउंड कर देते हैं, और इसी तरह से अगर आपका नंबर लेस देन 5 होता है तो आप नंबर को राउंड नहीं करते। ठीक है, तो आप डेसिमल्स की राउंडिंग हम किस तरह से करेंगे। डेसिमल आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, आपके पास उसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है और होल पार्ट होता है, और डेसिमल में आपके पास होल पार्ट होंगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास डेसिमल पॉइंट आएगा, एंड देन लास्ट में आपके पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि फर्स्ट डिजिट को हम टेंथ्स कहते हैं, सेकेंड डिजिट्स को हम हंड्रेड्स कहते हैं, और थर्ड को हम थाउजेंड्स। अब एग्जाम्पल है आपके पास पेज नंबर 117 पे। द लेंथ ऑफ अ कैटरपिलर इज 8.3 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ इट्स लेंथ टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब उन्होंने लेंथ आपको 8.3 सेंटीमीटर दी है, आपने राउंड ऑफ करनी है नियरेस्ट पे। ठीक है, अभी आपके पास 8.3 है, ठीक है, आपने नियरेस्ट किस पे राउंड करनी है, नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर मीन्स के होल नंबर। अब स्टूडेंट्स मेरे पास देखें, आपने मतलब इस 8 को क्या करना है, राउंड करना है, ठीक है, किसको देखते हुए, इस 3 को, इस 3 को देखते हुए आपने 8 को राउंड करना है। अब अगर आपका 3 लेस देन 5 है, ये 3 आपका जो है वो लेस देन 5 है, तो इट्स मीन आप इसको राउंड नहीं करेंगे, आप 8 में प्लस 1 नहीं करेंगे, ये आपके पास 8 ही रहेगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8, क्योंकि 8.3 है तो हमारे पास 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो हमारे पास आंसर 8 ही रहेगा। ओके, सो आंसर इज, ये देखें, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि नंबर लाइन देखें, नंबर लाइन में आप 8 और 9 के दरमियान में आपके पास सबसे पहले छोटी लाइन में 8.1, देन 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 एंड देन 8.9 और फिर लास्ट में 9। अब इसमें आप देखें 8.3 है, 8.3 जो है वो किसके क्लोज है, जी 8.3 जो है वो 8 के क्लोज है बनिस्बत के वो 9 के। देखिए 9 में जाने के लिए उसको कितने पॉइंट्स, ये सारे नंबर कवर करने पड़ेंगे, लेकिन 3 में जाने के लिए उसको जस्ट 8 में जाने के लिए ये 2 नंबर्स कवर करने हैं, तो वो किसके ज़्यादा करीब है, 8 के, 9 के वो दूर है, सो इसलिए आपके पास 8 आ जाएगा। व्हेन वी राउंड ऑफ अ नंबर to the nearest whole number, we look at the digit in the tens place. If it is smaller than 5, we round off the number to the nearest, to the smaller whole number. वही चीज़ है जो मैंने आपको भी explain की है कि आपने देखना है कि अगर आपके पास digit less than 5 है, tens का जो number है वो less than 5 है, तो आप उसको round off नहीं करेंगे, वो आपका पिछले ही number में रहेगा। So 8.3 is approximately 8 when round off to the nearest whole number. So the length of the caterpillar is 8 centimeter nearly.
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑन पेज नंबर 118, अ टॉय ट्रेन इज 49.71 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ दिस अमाउंट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब टॉय ट्रेन है वो 49.71 सेंटीमीटर है, आपने इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर में करनी है, मतलब नियरेस्ट होल नंबर में करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 49 के दो हैं, या तो वो 50 होगा या फिर वो 49 होगा, ठीक है। इसका प्रीवियस नंबर आपके पास, आपको पता है कि राउंड ऑफ या तो वो 49 रहेगा या फिर वो 50 नेक्स्ट में चला जाएगा। द डिजिट इन द टेंथ प्लेस इज 7, आपने टेंथ प्लेस का नंबर देखना है वो क्या है 7। अब 7 ग्रेटर देन 5 है तो ये राउंड ऑफ होगा, यस ये बिगर नंबर पे राउंड ऑफ होगा, और 49 का बिगर नंबर क्या है 50, गुड जी, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 50। सो द लेंथ ऑफ द टॉय ट्रेन व्हेन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर इज 50 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। 49 के राउंडिंग में आपके पास 49 होगा या फिर उससे नेक्स्ट नंबर होगा 50। अब आपका जो टेंथ वाला नंबर आपने देखना है, जो आपका टेंथ नंबर है वो लेस ग्रेटर देन 5 है, 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, सो इट्स मीन आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे, आप बिगर नंबर में राउंड ऑफ कर देंगे, तो वो क्या होगा 50। व्हेन वी राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर वी लुक एट द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, जब हमने नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करना है तो हमने टेंथ प्लेस पे जो नंबर होगा उसको देखते हुए करना है। अगर वो नंबर लेस देन 5 होगा तो हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम स्मॉल होल नंबर पे ही रहेंगे, और अगर वो ग्रेटर देन 5 होगा या इक्वल टू 5 होगा तब हम उसको बिगर होल नंबर पे राउंड ऑफ कर देंगे। वही चीज उन्होंने आपको एक्सप्लेन की है, इफ द डिजिट लेस देन 5 वी राउंड इट ऑफ टू द स्मॉल होल नंबर, एंड इफ द डिजिट ग्रेटर देन 5 वी राउंड इट ऑफ टू द बिगर होल नंबर। If the digit is equal to 5, we round it off to the bigger whole number. ठीक है? अब practice zone के questions हैं, round off each number to the nearest whole number. अब आपने मेरे साथ करना है, first है 7.1. First question हमारे पास क्या है? 7.1. अब इसमें देखें, tens में क्या number है हमारे पास? 1. तो 1 लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5? जी 1 जो है वो तो हमारे पास लेस देन 5 है, तो ये अब हम इसे राउंड ऑफ किस पे करेंगे, स्मॉलर होल नंबर में या बिगर होल नंबर में? जी हम इसको स्मॉलर होल नंबर में करेंगे, तो हमारे पास आंसर 7 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके दो नंबर बनेंगे ना 7 एंड 8, तो 7 स्मॉलर होल नंबर और 8 बिगर होल नंबर, तो टेंस को देखें वो 1 है तो ये हमारे पास लेस देन 5 है, तो ये हमारे पास स्मॉलर होल नंबर आ जाएगा, तो आंसर 7 आ जाएगा। सो द आंसर इज 7, गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है 14.8। अब 14.8 किन दो में जाएगा, 14 या 15? अब टेंथ नंबर देखें, 8 स्मॉलर देन 5 है या ग्रेटर देन 5? गुड ग्रेटर देन 5 है, तो अब हम बिगर नंबर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है 34.04। अब 34.04, अब इसमें देखें स्मॉलर होल नंबर क्या होगा 34 और बिगर होल नंबर क्या होगा 35। अब टेंस में क्या है, यहाँ पे ये तो जीरो है, तो जीरो जो है वो तो लेस देन 5 होता है, ठीक है, तो ये क्या हम राउंड स्मॉलर होल नंबर में आएगा या बिगर? जी स्मॉलर में आएगा, सो आंसर इज 34, गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब आप मुझे बताएं क्या होगा, 42.63, इसको राउंड ऑफ करें क्या आएगा? गुड 43 आएगा, क्यों? क्योंकि आपने 42.63
6'3" के दो बनेंगे, एक 42 और एक 43। आपका टेंथ नंबर कौन सा है? 6। तो जो 6 है वो हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, तो हम लोग बिगर होल नंबर पे जाएंगे, तो वो क्या है? 43। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमारे पास है 252.5। अब 252.5 को हम किस में करेंगे? दो बनेंगे, एक 252 और सेकंड हमारे पास क्या आएगा? 253। अब आप देखें, आपका जो टेंथ नंबर है वो ग्रेट इक्वल टू 5 है, सो ये क्या होगा? 253 में आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें, 141.57। अब 141 के दो बनेंगे, एक 141 स्मॉलर होल नंबर और बिगर होल नंबर क्या होगा? 142। तो आपका टेंथ जो है वो 5 है, तो 5 इक्वल टू है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 142। वेरी गुड। राउंड ऑफ ईच नंबर टू द वन डेसिमल प्लेस। अब आपके पास वन डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है कि ये देखें, आपके पास नंबर है 65.71। ये जो ये है वन, इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है, इसको हम कहते हैं वन डेसिमल प्लेस। अब आपने यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, मतलब अब आपने हंड्रेड्स को देखते हुए वन डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, ठीक है? तो अब आप देखें 65 पॉइंट तो वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद ये 7 है। अब हंड्रेड्स वाले नंबर को देखें, वन जो है वो लेस देन 5 है, तो क्या 7 को हम राउंड ऑफ करेंगे? नो। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 65.7। अब ये आपके पास आंसर जो है ये वन डेसिमल प्लेस में है। नेक्स्ट आपके पास है 112.09। अब 112.09, अब 112 देखें, आपने इसको फिर वन डेसिमल प्लेस में करना है। 112 को हम वैसे लिख देंगे, देन पॉइंट, फिर उसके बाद ज़ीरो। अब ज़ीरो को आपने राउंड ऑफ करना है इसको देखते हुए। अब 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, सो इट्स मीन हम राउंड ऑफ करेंगे, तो इसमें एक नंबर और ऐड हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? 1। सो 112.1। नेक्स्ट है 305.95। अब इसमें देखें 305 है, ये वैसे ही आ जाएगा। अब वन डेसिमल प्लेस में नंबर है 9, ठीक है, और ये इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, ये देखें, अब आप जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? अब ये 1, ये 5 है, इसमें राउंड ऑफ करना है तो इसमें 1 ऐड होगा, तो ये इसको क्या बना देगा? 10। और 305.9 वो 6 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? 306, ठीक है, क्योंकि आपके पास 305.9 में दो बनेंगे, एक तो 305.9 ये स्मॉलर होल नंबर और बिगर होल नंबर 306, क्योंकि 9 के बाद आपने नेक्स्ट डिजिट में जाना होता है, सो हमारे पास आंसर 306 आ जाएगा। ये देखें, आपकी टीचर ने किया भी हुए 305.9, इसमें 1 जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? 0, 1 कैरी, तो ये क्या बन जाएगा? 306.0। तो वन डेसिमल प्लेस में आपके पास आंसर ये आ जाएगा 306, ठीक है। 0.0 आप नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल जो है ये आपके पास आंसर होल नंबर में ही आया है। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव अ होमवर्क, सो व्हाट्स योर होमवर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर डायरी, राइट डाउन टूडेज डेट एंड
द सब्जेक्ट दैट इज मैथ एंड देन राइट डाउन योर डायरी एंड व्हाट्स योर डायरी योर डायरी इज ऑन पेज नंबर 120 एंड 121 डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए बी सी एंड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए बी सी डी ई एफ एंड डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर मैथ्स बुक. ठीक है, आपने ये क्वेश्चन सबसे पहले अपनी डायरी में लिखने हैं एंड देन आपने ये काम अपनी बुक पे करना है और काम आपने अपना नीटली करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन. अल्लाह हाफिज़.